हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो टैली ईआरपी 9 को लेकर के है। और ईआरपी 9 के अंतर्गत आज मैं आपको बताऊंगा, एक हमारे व्यूअर हैं, सवाल क्या है उनका समझिएगा। उनका सवाल ये है कि सर मैं स्टॉक आइटम तो बना लेता हूं, पर एंट्री करते समय F9 वाले में, यानी कि F9 किसकी शॉर्टकट की होती है? F9 होती है परचेज वाउचर की शॉर्टकट की। तो वहां पर उन्हें क्वांटिटी और ये नेम ऑफ आइटम इस तरह की चीजें नजर नहीं आती है। तो अगर सेम दिक्कत आपके साथ भी ऐसी ही हो रही है तो उसी के बारे में जानेंगे हम, ठीक है? तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं, वी बटन प्रेस करते हैं और वी बटन प्रेस करके आ जाते हैं वाउचर में। देखिए यहाँ पे वी दिया भी गया है, वी हाईलाइट है, आप या तो वी बटन प्रेस कर लीजिए या तो इस पर क्लिक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे परचेज में आ गए, ठीक है। ऑलरेडी हमने रिसिप्ट में एंट्री पास कर रखी है, दैट्स व्हाई हम सीधा सीधा परचेज में एंट्री कर रहे हैं। और यहाँ पर सप्लायर द्वारा दिया गया इनवॉइस नंबर डाला, ठीक है, एंटर किया, यहाँ पर आए और यहाँ पर सप्लायर का नाम आएगा, या तो आप कैश भी कर सकते हैं। सप्लायर कैसे लेजर बनेगा, अल्ट के साथ सी प्रेस करना होगा। और यहाँ पर मैं सप्लायर SUPPLIER SUPPLIER, ठीक है, तो ये हो गया सप्लायर वन। यहाँ पे सप्लायर वन कर दिया और यहाँ पर आएंगे ना तो सन्ड्री क्रेडिटर क्या रखना है आपको, सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप रखना है और यहाँ मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल इसको यस रखना है, ठीक है। एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा, ठीक है। एक्सेप्ट जब कराएंगे तो ये विंडो आएगी, इसको भी एंटर करके एक्सेप्ट करा लीजिएगा। यहाँ पर एक परचेज का लेजर आता है, ठीक है, तो यहाँ परचेज का लेजर लगा लीजिएगा। ग्रुप इसका परचेज अकाउंट होगा, बनाने के लिए क्या करना है आपको, अल्ट के साथ सी प्रेस करके आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ग्रुप हमेशा परचेज अकाउंट रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर एक स्टॉक आइटम बनाना है, लेकिन उनके साथ समस्या क्या है कि यहाँ पर ना तो क्वांटिटी नजर आता है ना ही स्टॉक आइटम। जैसे देखिए यहाँ पे नेम ऑफ आइटम आ रहा है और यहाँ पे क्वांटिटी आ रहा है, तो ये दोनों ही वहां पर शो ना हो रही हो, तो ऐसी कंडीशन मुझे बनानी है। क्रिएट करते हैं वैसी कंडीशन, देखते हैं कि ऐसे कैसे होगा। देखिए यहाँ पर आप जब इस पट्टी पर ध्यान देंगे, ये जो पट्टी सी दिख रही है ग्रीन कलर की, इस पे आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे नीचे है एज वाउचर, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ वी प्रेस करेंगे तो आप एज वाउचर मोड में चले जाएंगे, ठीक है। तो आपका सिनेरियो कुछ ऐसा हो जाएगा डेबिट क्रेडिट का, देख रहे हैं। तो इस स्थिति में आपको क्या नहीं नजर आएगा, ना तो नेम ऑफ आइटम नजर आएगा, ना तो क्वांटिटी नजर आएगा, ना तो रेट नजर आएगा, कुछ भी नजर नहीं आएगा। और देखिए यहाँ पर अगर आप अकाउंटिंग इनवॉइस में चले जाएंगे तो भी आपको दिक्कत होगी। अब यहाँ पर जो इनवॉइस मोड था पहले, अब देखिए ये अकाउंटिंग इनवॉइस है तो यहाँ क्वांटिटी आएगा ही नहीं, यहाँ पे रेट है, पर है, अमाउंट है, देख सकते हैं ना, तो यहाँ क्वांटिटी नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, हमेशा आइटम इनवॉइस मोड में रहना है। ये देखिए ये आइटम इनवॉइस मोड है और जब ऐसे रहेंगे तब आप एंट्री कर पाएंगे, अदरवाइज आप एंट्री ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको हमेशा आइटम इनवॉइस मोड में रहना है। चेंज कहां से करना है मैंने आपको स्पष्ट क्लियरली एकदम बता दिया है, इस बात पर बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अगर इस पर ध्यान देंगे तो काम हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एंटर करिए, अब यहाँ पर आराम से एंट्री पास कर सकते हैं आप, ठीक है। अल्ट के साथ सी प्रेस कर दीजिए और यहाँ पर हम जैसे मान लीजिए शुगर ही कर देते हैं, तो ये शुगर हो गया, एंटर किया। और यूनिट जरूर बनाइएगा, यूनिट कैसे बनेगा, अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए और यहाँ हम कर देते हैं केजी, फॉर्मल नेम कर देते हैं किलोग्राम, ठीक है, एंटर कर दिया। और यहाँ 3 कर देते हैं, एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लेते हैं, एंटर करते हैं। और स्टैंडर्ड रेट फिलहाल मैं नहीं सेट कर रहा। और यहाँ पर क्वांटिटी मान लीजिए 6 किलो है, 1 किलो का दाम 40 रुपए है, तो 6 किलो का दाम यहाँ आ गया है, देख सकते हैं ना कितना आसान है। तो अगर इस तरह की दिक्कत आपको भी आ रही है तो सेम यही मेथड फॉलो कीजिए, ठीक है। बाकी यहाँ नरेशन डाल सकते हैं, द गुड्स, यहाँ पे लिखिए द गुड्स हैव बीन परचेज्ड, PURCHASED। अगर नाम आया है पार्टी का जैसे सप्लायर वन, ये तो नाम ही है, तो यहाँ पर ये क्रेडिट की बात हो रही है यानी उधार की, तो ऑन क्रेडिट कर दीजिएगा, ठीक है। एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिएगा, क्लियर, 100% क्लियर, कोई दिक्कत इसमें हो तो बताइए, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि सॉल्व हो जाएगी इससे प्रॉब्लम, फिर भी कोई दिक्कत होगी तो कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।